Hello students, thanks for watching. Can I teach you learning center for all? पिछले लेक्चर में हम सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ी थी. आज उसी में आगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं. जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख पा रहे होंगे हेडिंग लिखी हुई है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघात बहुपदों के शून्यक. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम सभी. इफ एक्स इज रिप्लेस बाय अल्फा वेयर अल्फा इज रियल नंबर द ऑब्टेन वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जीरो देन द रियल नंबर इज सेड टू बी जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. एक बार और पढ़ते हैं इसे हम लोग अच्छे से. इफ एक्स इज रिप्लेस बाय अल्फा वेयर अल्फा इज रियल नंबर द ऑब्टेन वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जीरो देन द रियल नंबर इज सेड टू बी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. एक बार इसे हिंदी में भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी अच्छे समझ सके और इससे हम लोग खुद भी अच्छे से फैमिलियर हो जाएं. ठीक है. यदि एक्स को अल्फा से रिप्लेस करते हैं जहां पर अल्फा एक रियल नंबर है द ऑब्टेन वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलने वाली वैल्यू अगर जीरो होती है तो उस रियल नंबर को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो कहेंगे. किसे कहेंगे? उस रियल नंबर को. इसी रियल नंबर को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो कहेंगे. एक बार और देख लेते हैं. यदि एक्स को अल्फा से रिप्लेस किया जाए जहां पर अल्फा खुद एक रियल वैल्यू है तो इस पॉलिनोमियल से मिलने वाली वैल्यू अगर जीरो हो जाए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलने वाली वैल्यू किससे? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो दी गई होगी एग्जांपल या क्वेश्चंस में. उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद से मिलने वाली वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उस रियल नंबर को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो कहेंगे. किसे कहेंगे? उस रियल नंबर को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का यानी द्विघात बहुपद का जीरो कहेंगे. समझ में आ रहा है या नहीं? अरे एक बार में समझ में नहीं आता है. चलिए एक एग्जांपल से हम लोग करके देखते हैं. जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे एग्जांपल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - x - 3 जहां पर अल्फा इज इक्वल टू -1 और 3/2 दिया आएगा. तो इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और इसी पर हम लोग डेफिनेशन भी अप्लाई करते रहेंगे. पी ऑफ एक्स की जगह क्या है, क्या कह रहा है इसमें? इफ एक्स इज रिप्लेस बाय अल्फा, यदि एक्स को अल्फा से रिप्लेस किया जाए. तो चलिए एक्स को अल्फा से रिप्लेस करते हैं. एक्स की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा. 2 ऐसे ही एक्स स्क्वायर की जगह अल्फा लिखेंगे. पावर कितनी है? 2 है, ऐसे ही लिख देंगे. माइनस एक्स की जगह अल्फा लिखना है, -3. जैसा डेफिनेशन में बोला गया उसी तरह से हम लोग बिल्कुल करेंगे. इफ एक्स इज रिप्लेस बाय अल्फा, एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर है, अल्फा लिखा, ऊपर स्क्वायर लगाया, माइनस एक्स की जगह अल्फा लिखा, -3 ऐसे ही. ठीक. अब उस पर आगे चलेंगे हम लोग. पी ऑफ अल्फा की जगह क्या लिखना है? वेयर अल्फा इज रियल नंबर, और रियल नंबर हम लोग को दिया है अल्फा इज इक्वल टू -1, तो -1 रखते हैं अल्फा की जगह. इज इक्वल टू 2 ऐसे ही अल्फा की जगह क्या रखेंगे? फिर से -1 जैसा कि दिया हुआ है, -1 स्क्वायर ऐसे ही. पावर कितनी है? 2 है, तो 2 अल्फा की जगह -1, -3 ऐसे ही. पी ऑफ -1 इज इक्वल टू 2. अब ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये 1 हो जाएगा. कौन बताएगा ये 1 क्यों हुआ? जी हाँ बताइए. चलिए अच्छा मैं बताता हूँ खुद ही. ये -1 ब्रैकेट में दिया है और पावर कितने लगी है? स्क्वायर. इवन पावर है. यदि किसी नंबर पर इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है. यदि ओड पावर होती है तो ये
पॉजिटिव के साथ ना खुलकर नेगेटिव साइन के साथ खुलता, ये वन पॉजिटिव साइन के साथ ना खुलकर नेगेटिव साइन के साथ खुलता, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ, ठीक है। माइनस ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस वन माइनस थ्री ऐसे ही, टू वन जाए टू, टू प्लस वन माइनस थ्री, टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री, थ्री से थ्री जाएगा जीरो हो जाएगा। फिर से एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ एक्स इज रिप्लेस बाय अल्फा, एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर दिया हम लोग ने, देखिए एक्स की जगह अल्फा रखा, ये वाले में भी एक्स की जगह अल्फा रखा और एक्स की जगह अल्फा रखा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, वेयर अल्फा इज रियल नंबर, जैसा कि दिया था हम लोगों को अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन और थ्री बाई टू, पहले माइनस वन पर हम लोगों ने चेक किया है। फिर आगे कह रहे हैं द ऑब्टेन वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जीरो, कह रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी इस द्विघात बहुपद की वैल्यू कह रहे अगर जीरो हो जाए, जीरो हो जाए देन द रियल नंबर इज सेट टू बी जीरो। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का मान, इस द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है उस रियल नंबर को रखने पर, किस रियल नंबर को, जो अल्फा की जगह हम लोगों ने रियल नंबर रखा, अल्फा की जगह रियल नंबर क्या रखा था, माइनस वन, माइनस वन रखा और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यही रियल नंबर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, जीरो होगा, शून्यक होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए एक और, जैसा कि थ्री बाई टू वैल्यू रखकर देखते हम लोग दिया है, ये वाले आप सभी नोट कर ले, फिर से हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे पिछली बार किया है। p ऑफ x की जगह, x की जगह क्या रखना है, अल्फा रखना है, जैसा कह रहा है कि x को अल्फा से रिप्लेस करो, बिल्कुल हम लोग ने वैसा ही किया, x की जगह अल्फा रख दिया, 2 ऐसे ही x की जगह अल्फा इज पावर 2 माइनस अल्फा माइनस 3, ठीक है। कह रहे हैं वेयर अल्फा इज रियल नंबर, तो रियल नंबर अल्फा हम लोग को दिया है थ्री बाई टू, तो वह वैल्यूज रख देंगे, अल्फा को थ्री बाई टू रख दिया इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई का साइन थ्री बाई टू स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग इसी में, एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे। एक्स को अल्फा से रिप्लेस किया, बिल्कुल ठीक उसी तरह से रिप्लेस कर दिया। आगे कह रहे हैं अल्फा इज रियल नंबर, अल्फा को रियल नंबर से रिप्लेस कर दिया, अल्फा की जगह थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, ओके। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, द ऑब्टेन वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज जीरो, इस कह रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू अगर जीरो मिलती है इस रियल नंबर को रखने पर, किसको, अल्फा इज जीरो, अल्फा इज रियल नंबर, अल्फा को रखने पर, अल्फा क्या रखा है थ्री बाई टू, इस अल्फा को रखने पर, रियल नंबर को रखने पर अगर वैल्यू जीरो मिलती है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का शून्यक होगा यही अल्फा, यानी कि थ्री बाई टू, माइनस वन तो हम लोग ने चेक कर लिया इसका जीरो था, लेकिन थ्री बाई टू पर अब हम लोग चेक कर रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स थ्री बाई टू ऐसे ही इज इक्वल टू टू इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू ऐसे ही माइनस थ्री, ये टू से ये फोर कैंसिल करेंगे तो नाइन बाई टू हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू ऐसे ही माइनस थ्री। इतनी बात आ गई सभी को समझ में, आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेंगे सिंपली जैसे हम लोग करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, टू, क्योंकि इसमें भी टू है और इसमें भी टू है, नीचे डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं होता तो हम लोग क्या मानते हैं, वन मानते हैं, लिखा नहीं जाता। एलसीएम टू लिया, टू को टू से डिवाइड करेंगे, यानी एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो एलसीएम भी टू है और डिनोमिनेटर टू है, तो टू को टू से डिवाइड करेंगे वन हो जाएगा, और वन का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर कितना दिया नाइन, तो नाइन बन जाए नाइन माइनस
फिर से एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एलसीएम 2 दिया है और डिनोमिनेटर भी 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 हो जाएगा। जो साइन लगा है उसी साइन के साथ आगे बढ़ेंगे, साइन किसका है, माइनस का है। फिर से एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एलसीएम कितना है 2 है और डिनोमिनेटर 1 है, जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जाए 6, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 हो जाएगा, ये वाला 9 है सही, और वो माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 से 0 9 से 9 कैंसिल, सॉरी 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोगों को पहले से ही पता है। जैसे न्यूमरेटर में अगर 0 और डिनोमिनेटर में समथिंग, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो ऑलवेज 0 क्या होगा, 0। यदि अंश में 0 है और हर में कोई भी संख्या दी है तो हमेशा 0 होता है। यदि लिख लो, इस बात को नोट कर लो, यदि अंश में 0 है और हर में कोई भी संख्या है तो हमेशा वैल्यू 0 होगी। इफ न्यूमरेटर हैज 0 देन डिवाइड, न्यूमरेटर 0 है और डिवाइड में समथिंग है तो ऑलवेज 0 वैल्यू होगी। ओके, एक बार इसे हम लोग फिर से समझ लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, वेयर अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 3 बाई 2, ठीक है। तो जैसा कि डेफिनेशन में बोल रहा था उसी तरह हम लोग ने बिल्कुल करा, अल्फा को रिप्लेस करा एक्स से, एक्स को अल्फा से रिप्लेस करा, सॉरी एक्स को अल्फा से रिप्लेस करा, आगे गए बोल रहे हैं वेयर अल्फा इज रियल नंबर, और अल्फा रियल नंबर वैल्यूज दी हम लोग को 3 बाई 2 और माइनस 1 रख दी वैल्यू, कह रहे हैं ऑब्टेन वैल्यू, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलने वाली वैल्यू अगर 0 हो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलने वाली वैल्यू अगर 0 हो तो उस रियल नंबर को, जो रियल नंबर हम लोग ने पुट किया है एक्स की जगह अल्फा रखा तो अल्फा की वैल्यूज दी है, इनकी वैल्यूज रखने पर हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या मिला, 0 मिला, इसकी वैल्यू क्या मिली, 0। तो इस नंबर को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का शून्य कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का शून्य कहेंगे। आगे सब बात समझ में सभी को, ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, आगे